दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप किस तरीके से आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ परचेस की है, ऑर्डर की है, ठीक है, और आपका वो प्रोडक्ट कहाँ पे आ चुका है उसे आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको शॉपसी से चाहे देख सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे, ठीक है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आपको चले जाना होगा, ठीक है, जहां से आपने ऑर्डर किया है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका लिखा होगा माई ऑर्डर, ठीक है, जैसे माई रिवर्ड और सेल ऑन फ्लिपकार्ट के जस्ट बीच में माई ऑर्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। अब आपका जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वहाँ पे ऊपर की तरफ आपको शो हो जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक किया हमने, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो हमारा पूरा प्रोडक्ट है, कहाँ से किस तरीके से आया है, सारी चीज़ें में दी गई है, ठीक है, यहाँ पे। और ये आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, यानी कि ये मुझे आज ही मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन रिच द डिलीवर पर्सन एट, उसका नंबर दिया होगा, ठीक है, और पिन नंबर दिया होगा। अब आपको क्या करना है, कॉल लिखा है, कॉल पर आप क्लिक करेंगे, और कॉल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। आप ने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया है फ्लिपकार्ट को, ठीक है, वो मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये पिन डाल करना है 164, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो कॉल है, कॉल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देखो नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर को डायल करना है, ठीक है। अगर रजिस्टर मोबाइल नंबर से कर रहे हो तो आपको केवल कोड डालना है 164, आपका यहाँ कोड चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा यहाँ पर ये कोड है, आपका कोई और कोड हो सकता है। अब इस नंबर पर हम कॉल डायल करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो नंबर हम डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे इस नंबर पर रिचार्ज नहीं है, मैं दूसरे नंबर से इस नंबर को डायल करूँगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ये नंबर है जहां से हम वीडियो बना रहे हैं फ्लिपकार्ट, जो हमारा रजिस्टर्ड है उस नंबर से, उसी नंबर को हम वहां पे डाल देंगे। उसके बाद 164 डाल के हमारी कॉल कनेक्ट यानी कि रीडायरेक्ट कर देगा फ्लिपकार्ट सीधा डिलीवर के पास, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट लेके आ रहा होगा, ठीक है। और उसी से आपको बात कर लेनी होगी और कह देना होगा मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आना है, ठीक है। दोस्तों इस नंबर से हम डायल करेंगे, यानी कि हमारा दूसरा नंबर है उससे हम डायल करेंगे जो हमारे वहां पर नंबर दिया गया था, ठीक है। तो हम कॉल करेंगे, तो आप देख सकते हैं, बिल प्रूफ दिखा रहा हूं आपको। अब दोस्तों यहां पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना होगा, तो चलिए हम अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहां डाल देते हैं जल्दी से। दोस्तों अब हमने यहां पे मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 164 डाल दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद, ठीक है। अब हमारी कॉल लग गई, देख सकते हैं आप, ठीक है, मैं आपको बात करके दिखाऊंगा आपको। अब दोस्तों कॉल नहीं लगी, आप दोबारा लगाएंगे, आपकी कॉल उठ जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको क्लियर दिखा दिया है, बात करके भी मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल कट करते हैं, यहाँ पे बस खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो मैं सारी चीज़ इस वीडियो में बता चुका हूँ, फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।